आइए वेलकम करते हैं नाजिश जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज मेरे पास मैंने तीन अंडर वन रूफ तीन खूबसूरत चेहरों को यहाँ बिठाया है। बहुत खूबसूरत तीनों भाई हसीन हैं, नो डाउट। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम आप तीनों जो ये बैठे हुए हैं माशाल्लाह कोई एक्सटेंशन यूज नहीं करते, अपने खूबसूरत बाल हैं, अपनी प्यारी स्किन है। सो नाजरीन को आपकी एक्टिंग देखने के अलावा ये राज भी जानने अंदर की जवाब दे पाते आप स्किन पे क्या करती हैं क्या कहती हैं। फिर कभी कभार फिल्टर्स भी होते हैं टू बी रियली ऑनेस्ट, बट चलिए हम आपको देखते हैं अभी भी आई थिंक बगैर फिल्टर के देख सकते हैं। हम आपको आज बताएंगे कि वो जो ग्लो ग्लो स्किन करती है ना वो उसके राज क्या क्या। वैसे तुम सुस्त हो इस मामले में, अपना ख्याल रखने के मामले में या बहुत? नहीं नहीं मैं सुस्त नहीं, मैं बहुत एक्टिव भी नहीं हूँ पर मैं सुस्त भी नहीं। अच्छा। हमें टाइमली अपनी चीजें निकालती रहती हूँ। हमेशा से रखा है तुमने ख्याल या? मैं नहीं, बचपन से रखा है, पूरी कोशिश की है। हाँ बीच का कोई एक फेज आया था जिसमें आप बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि जब डिग्री लेनी होती है आपको तब कोई स्किन याद नहीं रहती आपको, पर हाँ मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ शुरू से इन चीजों। और सब बहनें इकट्ठे मिलके मास्क लगा रहे होते थे, चलो यार। एग्जैक्टली मैं बनाती थी ना कि वो इतना ज्यादा बन जाए करते हाँ। थी अब इसका क्या करें, फिर वो मैं सबको देती थी, मतलब अपनी वो जो हमारी कितनी कितनी बहन है हमारे घर में उल्टा होता था। मेरी बहन को खाने का बहुत शौक था तो वो कुछ चीज बनाती थी, वो ज्यादा बना रही थी, फिर सबको बांट रही होती थी, तुम खा लो तुम भी खा लो खाने की चीज। अभी परसों ही ये हुआ है कि मेरी बहन एक मास्क बना के मुझे दिया और वो खुद भी लगाया पहले, फिर मुझे लगाया, फिर बच गया तो वो मामा के फेस पे जाके ऐसे लगा रही थी। मैंने गलती से इसी तरह एक दफा ना वो बेसन का जो मास्क था वो अब्बा को भी लगाया, अब्बा की जेब पे फंस गया। आज के बाद नहीं, सॉरी कि अब्बा की मूंछ दाढ़ी में फंस गया। ओह माय गॉड।